आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 99,04,096 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 27,071 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 336 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 143,710 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 496 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 177 संक्रमित मिले, वहीं नैनीताल में 104, पिथौरागढ़ में 60, उधमसिंह नगर में 25, उत्तरकाशी में 24, हरिद्वार में 18, पौड़ी व चमोली में 17, अल्मोड़ा में 16, चंपावत व टिहरी में 13, बागेश्वर में 8, रुद्रप्रयाग जिले में 4 संक्रमित मिले। वहीं 524 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। प्रदेश में 11 मरीजों की मौत हो गई, इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, कैलाश हॉस्पिटल में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1, जय मैक्सवेल हॉस्पिटल में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में 1 और HNB बेस अस्पताल श्रीनगर में 1 मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में 1372 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कुल आंकड़ा 83,502 पहुंच गया है। महाविद्यालय खुले पहले दिन 15-20% छात्र पहुंचे। तो प्रदेश में मंगलवार को करीब 8 महीने बाद महाविद्यालय खुल गए। पहले दिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति औसतन 15-20% रही। प्रयोगात्मक विषयों के बाद अब सभी छात्रों के लिए खुलेंगे कॉलेज। तो प्रदेश में मंगलवार से प्रयोगात्मक विषय के छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज खोलने के बाद सरकार की तैयारी अब सभी छात्रों के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय को खोलने की है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक कॉलेज खुलने के 1 सप्ताह बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद क्लास वाइज सभी छात्रों के लिए कॉलेजों को खोला जाएगा। पहाड़ी जिलों में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश 1 से, तो पहाड़ों पर पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था शुरू की जा रही है। शुरुआती तौर पर सभी 9 पहाड़ी जिलों में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को 1 जनवरी से साप्ताहिक अवकाश की सुविधा दी जाएगी। हालांकि आपातकाल में उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी समेत 3 अफसरों को कोरोना। तो सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी समेत 3 अफसरों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नौकरशाही में हड़कंप मच गया। आज सचिव स्वास्थ्य के कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा, जबकि तीनों अफसरों के संपर्क में आए लोगों को सैंपल लिया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगी। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले साल भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वाइस एडमिरल श्रीकांत नहीं रहे। तो भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी वाइस एडमिरल श्रीकांत का मंगलवार सुबह दिल्ली स्थित सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना से पीड़ित थे। रसोई गैस के दाम 15 दिन में 100 रुपये बढ़े। तो तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को एक और झटका देते हुए रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि कर दी है। 3 दिसंबर को भी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा किया था। इस तरह 15 दिन के अंदर रसोई गैसों की कीमतों में 100 रुपये की वृद्धि की गई है। दून में ठगी करने वाला अभिनेता धरा गया। तो मुंबई पुलिस की अपराध शाखा 40 साल के एक टीवी अभिनेता को पुलिस अधिकारियों के बीच में लाखों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हाल ही में देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला से 5 लाख के गहने ठग लिए थे। हरीश रावत आज उपवास करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार को सचिवालय प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ बुधवार को मौन उपवास रखेंगे। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर पत्नी किरण के साथ मसूरी पहुंचे। तो फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग मसूरी में चल रही है। मंगलवार को शूटिंग के लिए अभिनेता अनुपम खेर पत्नी अभिनेत्री एवं सांसद किरण खेर संग पहुंचे। बता दें कि शूटिंग के लिए फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती कुछ दिन पहले ही मसूरी पहुँचे थे। दून में सीजन की सबसे सर्द सुबह कोहरा छाया। तो इस सीजन में मंगलवार की सुबह सबसे सर्द रहा। दून में न्यूनतम तापमान इस सीजन का सबसे कम 7.7 डिग्री रहा। राजधानी में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा। इस असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। शहर के बाहरी इलाकों में सुबह 9:30 बजे तक कोहरा घना कोहरा छाया रहा। दोपहर में शहर में अच्छी धूप खिली रही। लिफ्ट खराब होने से 10 मिनट फंसा रहा कर्मचारी। तो रेलवे स्टेशन की लिफ्ट मंगलवार को अचानक खराब हो गई। इससे लिफ्ट के अंदर रेलवे का एक कर्मचारी फंस गया। DAV में पहले दिन इंतजामों में देरी पर भड़के छात्र। तो कॉलेज खोलते ही मंगलवार को DAV PG कॉलेज में हंगामा हो गया। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर व्यवस्थाएं नहीं बनाने का आरोप लगाया। नौबत यहां तक आ गई कि छात्रों ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद करा दिया। बाद में किसी तरह कॉलेज प्रबंधन ने मामला संभाला और व्यवस्थाएँ बनाई। बाद में कॉलेज की ओर से बिना बुलाए गए और बिना अभिभावकों की सहमति पत्र के आए छात्रों को बाहर कर दिया गया।
कॉलेजों में 15% से कम रही उपस्थिति। दून विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले शुरू हो गए हैं। तो दून विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय ने अपना शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। पीजी में दाखिले में फीस के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई है। तो कॉलेज खुलते ही एनएसई के छात्रों ने समस्या को लेकर के सक्रियता शुरू कर दिया। मंगलवार को संगठन ने डीएवी प्राचार्य अजय सक्सेना का घेराव कर उन्हें छात्रों की समस्याओं के बारे में बताया। 31 दिसंबर तक कर सकेंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। तो समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति आवेदन करने से वंचित रह गए छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने आवेदन की तिथि 15 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। राज्य में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना लागू हो गई है। तो उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना लागू कर दी गई। 3 राज्य विश्वविद्यालय में कला वाणिज्य और विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। देहरादून में 25 दिसंबर के बाद लगेगा रोजगार मेला। तो सेवाजन विभाग ने रोजगार मेले की तैयारी शुरू कर दी। 25 दिसंबर के बाद रोजगार मेला लगाया जाएगा। जौनपुर से जौनसार तक बूढ़ी दिवाली की धूम। तो जौनपुर से लेकर जौनसार तक इन दिनों बूढ़ी दिवाली पहाड़ी दिवाली का उल्लास है। 5 दिवसीय पर्व का दूसरा दिन क्षेत्र के बिरूड़ी के रूप में मनाया गया। प्रातःकाल होलड़े जलाने के बाद गांव-गांव में लोक संस्कृति की अनूठी छटाएं देखने को मिली। तो आज विजय दिवस भी है। आईएमए में आज भी स्वच्छता 1971 की जीत की निशानी। तो 16 दिसंबर ही वह दिन है जब पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल एके नियाजी ने अपने करीब 90,000 सैनिकों के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण का हथियार डाल दिए थे। 1971 के युद्ध में उत्तराखंड के 255 वीरों ने दी थी कुर्बानी। जागेश्वर में श्रद्धालुओं के लिए जल्द बनेगी धर्मशाला। तो डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को जागेश्वर प्रबंधन समिति की बैठक ली। एसएसजे में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों का धरना। तो शोभन सिंह जिन्ना परिसर में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के छात्रों में खासा आक्रोश है। मंगलवार को आक्रोशी छात्रों ने प्रवेश को लेकर के कॉलेज प्रशासन पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। रानीखेत के गांव में नहीं थम रहा गुलदार का आतंक। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदारों की सक्रियता से दहशत का माहौल है। तहसील के सुदूरवर्ती ग्राम भिटारकोट के बाद लचीना मनारी नावली क्षेत्र में भी दर्जन भर बकरियां गुलदारों ने मार डाली हैं। अल्मोड़ा बागेश्वर में पहले दिन गिनती के ही छात्र पहुंचे। कपकोट के 42 विद्यालयों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति। तो विधानसभा कपकोट के कई हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में लंबे समय से चल रही शिक्षकों की कमी को अति शिक्षकों की मदद से पूरा कर लिया गया है। कुमाऊं में 42 साल बाद वृहद वैक्सीनेशन होगा। तो कुमाऊं में सबसे पहले 31,703 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें निजी अस्पतालों के स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। श्रीनगर में प्रशासन ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण। तो नगर क्षेत्र में प्रशासन, पालिका परिषद एवं पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान आंचल डेयरी सहित श्रीनगर एनएच के किनारे करीब आधा दर्जन अस्थायी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। ओली में प्रशासन ने 5 टीन सेट तोड़े हैं। आदि बद्रीनाथ मंदिर समूह के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। तो मंगलवार को विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आदि बद्री मंदिर समूह के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। नियुक्ति नहीं मिलने से अति शिक्षक नाराज। तो बीते 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित हुए प्रवक्ता और वर्ष 2015 के छूटे अति शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति न मिलने से अति शिक्षक आक्रोशित हैं। उत्तरकाशी में नाच गाकर मनाई गई मंगसीर बग्वाल। तो जनपद में मंगसीर की बग्वाल हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जोशी मठ से खबर आई है 5 संक्रमित मिलने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज तपोवन 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो जोशी मठ से 15 किलोमीटर आगे बॉर्डर के अंतिम राजकीय इंटर कॉलेज में मंगलवार को 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शिक्षा विभाग ने कॉलेज को आगामी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। कॉलेज के छात्र एवं स्टाफ को स्वैच्छिक कोरोना जाँच के लिए भी कहा गया है।
वहीं नई टिहरी से खबर, जहां पे जीआईसी कमांड 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो जनपद के कंडीसौन तहसील के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज कमांड के 8 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विद्यालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे कोरोना से हिंडोखाल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। लौह पुरुष को याद किया गया। तो जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में भारत रत्न व देश की आज़ादी की लड़ाई में महानायक पूर्व उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गंगोली हाट में 8 छात्र संक्रमित निकले, 4 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो गंगोली हाट विकासखंड जिले में कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। इसका अंदाजा पिछले दिनों के सामने आए 77 कोरोना संक्रमण के मामले से लगाया जा सकता है। यहां के 4 स्कूलों में 8 छात्रों में कोरोना संक्रमित निकलने पर स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। 1 कर्मी की कोरोना संक्रमित निकलने पर SBI को भी सील कर दिया गया है। मुनस्यारी के जंगलों में आग से फैला धुआं। तो क्षेत्र के जंगलों में शिकारियों के आग लगाने से पूरे क्षेत्र में फैली धुआं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। चंपावत के स्वाला में 10 घंटे बंद रहा NH। तो चंपावत के स्वाला में स्वाला के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 10 घंटे के लिए आवाजाही के लिए बंद रहा। बाघ दिखने से टनकपुर के ग्रामीणों में दहशत। तो टनकपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ का आतंक बरकरार है। फरवरी 2021 में होगी इग्नू की परीक्षाएं। तो इग्नू की सतांत परीक्षा दिसंबर 2020 हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। दिसंबर माह में होने वाली सतांत परीक्षाएँ अब फरवरी 2021 में आयोजित होंगी। नैनीताल विंटर कार्निवाल देगा राज्य को नई पहचान। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि साहसिक पर्यटन उत्तराखंड राज्य के पूरे पर्यटन उद्योग के अधिकांश भाग में अपना योगदान देता है। साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलने से उत्तराखंड राज्य को साहसिक खेलों के रूप में नई पहचान मिलेगी। विंटर कार्निवाल नैनीताल इसी दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। लॉकडाउन से उत्तराखंड सरकार को 4,000 करोड़ का झटका। तो कोविड-19 महामारी के बाद उत्तराखंड में लॉकडाउन से प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की चोट पहुंची है। इसमें 2,240 करोड़ सीधे वस्तु एवं सेवा कर GST की आय है। विवादित जमीनों पर अब नहीं मिलेगा बिजली का कनेक्शन। तो उत्तराखंड नियामक आयोग ने बदला नियम, पूरे प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मिलेगा कनेक्शन। धार्मिक पर्यटन के लिए मशहूर बागेश्वर पर पलायन की मार। तो करीब 23,000 का पलायन हो चुका है। कपकोट को लेकर के जताई जा रही है चिंता। बड़े बड़ों को हराने वाले कोरोना संक्रमण को नवजात ने हराया। तो पूरी दुनिया के लिए खौफ का पर्याय बन चुका कोरोना नवजातों के सामने बेअसर साबित हुआ है। यहां तक कि गर्भवती माँ में नवजात में संक्रमण फैलने की दर भी बेहद कम है। धुंध के कारण स्पाइट जेट की फ्लाइट निरस्त कर दी गई है। तो मौसम में तेजी से करवट लेने पर क्षेत्र के एकाएक ठंड में खासा इजाफा है। तापमान गिरने और शीतलहर के से ठिठुरन बढ़ने लगी है। सुबह कोहरा आने से जॉलीग्रांट आने वाली फ्लाइटें लेट हो गई। सर्वर ठप हुआ, 3 घंटे तक नहीं बने लाइसेंस। तो झाझरा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च में मंगलवार को 3 घंटे तक सर्वर ठप रहा। उत्तराखंड में भी मिलेगा 5 किलो का छोटा LPG सिलेंडर। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 5 किलो का छोटा सिलेंडर उत्तराखंड में भी लॉन्च हो गया है। यह हर एजेंसी में उपलब्ध होगा और इसे खरीदने के लिए केवल पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। दून में नहीं थम रहा जालसाजी के मामले। तो फर्जी ग्राहक बना फाइनेंस कंपनी से 27 लाख हड़पे गए हैं। वहीं देहरादून से खबर, जहाँ महिला से ठगी करने का आरोपी मुंबई में दबोचा गया है। 10 रुपये ट्रांसफर करा करके खाली करा दिए गए खाता। तो इंटरनेट में कोरियर कंपनी का नंबर लेना एक शख्स को बहुत भारी पड़ गया। फोन उठाने वाले साथी ठग ने उनके खाते से 1,57,000 रुपये ठग लिए। ठग ने पहले 10 रुपये मांगे, लेकिन देखते ही देखते खाते की पूरी जानकारी लेकर खाता खाली कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 61 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जनवरी तक है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग में 34 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। 31 दिसंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है। स्टाफ नर्स के पदों पर सीधी भर्ती, तो 1,238 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए
आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 11 जनवरी रखी गई है। शासकीय अधिवक्ता की रिक्तियां करें आवेदन तो 9 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है। ड्रोन कैमरों से होगी राजाजी टाइगर रिजर्व की निगरानी। तो नए साल पर वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन अलर्ट हो गया है। रजाई गद्दों की दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है। तो बसंत विहार क्षेत्र में एक रजाई गद्दों की दुकान में आग लग गई, आग से लाखों का नुकसान हो गया। श्रद्धापूर्वक मनाई पौ महीने की संक्रांत। तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा आड़त बाजार की ओर से पौ महीने की संक्रांत कथा कीर्तन के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। वही खबर है देवाल जोशीमठ से, जहां पर छात्राओं शिक्षक कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं, स्कूल को बंद कर दिया गया है। उत्तरकाशी और गोपेश्वर में मिले 32 कोरोना संक्रमित। रुद्रप्रयाग में 158 कोरोना के केस एक्टिव हैं। देवलांग पर्व की दिखी समृद्ध संस्कृति। तो नौगांव के गैर बनाल में राजा रघुनाथ मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पर्व। पोस्ट ऑफिस में हुए गबन पर फूटा गुस्सा। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस धाती में हुए गबन से डाक विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। गबन के आरोपी पोस्टमास्टर की गिरफ्तारी के बाद धोखाधड़ी का शिकार हुए खाताधारकों ने डूंगा तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने व गबन हुई धनराशि शीघ्र लौटाने की मांग की है। देवाल से खबर है, जहाँ पर वाण और अलवाणी गांव में ब्रीडिंग से होगी मछली की उत्पादन। तो मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने और रोजगार से जोड़ने के लिए वाण और अलवाणी गांव में अब मछलियों का उत्पादन ब्रीडिंग से होगा। गढ़वाल से खबर है, जहाँ पर कॉलेज खुले पहले दिन कम पहुँचे छात्र छात्राएँ। फार्म में मरी 1000 मुर्गियाँ, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे ब्लॉक पौड़ी में ग्राम पंचायत आयाल में प्रधान पति के फॉर्म में अचानक 1000 मुर्गियां मर गई। ग्राम प्रधान की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने गांव के 2 प्रवासी ग्रामीणों पर जीव जंतु की हत्या सहित अन्य धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज करा है। सेना भर्ती रैली में शामिल होने वालों का 17 को कोविड टेस्ट होगा। तो 20 दिसंबर से कोटद्वार में होने वाले सेना भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में कोविड टेस्ट की व्यवस्था की है। 17 दिसंबर को जिला अस्पताल के साथ ही CSC बड़कोट और पुरोला में भी कोविड की जांच की जाएगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 8 महीने बाद खुले कॉलेज, छात्रों ने बनाई दूरी। तो कोरोना संक्रमण के काल में 8 महीने बाद खुले महाविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बहुत कम रही। कुंभ में हाईटेक मशीनों से होगी सफाई। तो सफाई व्यवस्था में संसाधनों की कमी आ रही थी आड़े। कुंभ निधि से मिले 25 करोड़ रुपए की मशीनें। मॉक ड्रिल स्टेशन पर फटा बम, लोगों में अफरा तफरी। तो कुंभ मेला 2021 के मद्देनजर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास हुआ। पूर्व अभ्यास में बम फटने से मचने वाली भगदड़, घायल यात्रियों के उपचार, यात्रियों को सुरक्षित जगह से बाहर निकालने और हमलावरों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुराने हिस्ट्री सीटरों की नहीं होगी थाने में परेड। तो पुलिस की ओर से पुराने हिस्ट्री सीटरों को राहत देने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 साल बाद STF की मदद से धरा डकैती का वांछित आरोपी। तो थाना कनखल क्षेत्र में रमा बिहार में 26 माह पूर्व हुए डकैती में वांछित आरोपी को पुलिस ने STF की मदद से दबोच लिया है। वही खबर है, हैदराबाद से फैक्ट्री सुपरवाइजर का शव मोहम्मदपुर झाल में से बरामद हुआ है। तो सिडकुल के एक फैक्ट्री के सुपरवाइजर का शव पुलिस ने मोहम्मदपुर झाल से बरामद कर लिया। 122 गांवों के नक्शे तैयार, जल्द मिलेंगे संपत्ति कार्ड। तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को जमीन पर उतारने के लिए 122 गांवों के नक्शे तैयार हो चुके हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कॉलेज खुले मगर छात्रों का इंतजार। तो पहले दिन MBPG कॉलेज में 20, रामनगर में 10% ही दर्ज की गई उपस्थिति। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर अस्पतालों में जांच 36 संदिग्ध मिले हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया है।
इंतजार अभी नहीं चलेंगी पैसेंजर ट्रेनें, तो लॉकडाउन के समय रेल सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बाद में धीरे धीरे कुछ ट्रेनों को चलाया गया। अब कुछ रेल सेवा शुरू की गई हैं। फिलहाल इस समय काठगोदाम और लालकुआं रेलवे स्टेशन से जो ट्रेनें चल रही हैं वह सभी ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों में भी सभी ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा है, कुछ ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है। जवानों के हौसले से बदला था पाक का भूगोल। तो 1971 की जंग में हल्द्वानी जिले से 13 सपूत हुए थे शहीद। बीएससी में आधे से ज़्यादा विद्यार्थी फेल हो गए। तो हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे एमबीपीजी कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष के अधिकांश विद्यार्थी फेल हो गए। सबसे अधिक विद्यार्थी गणित और भौतिक विज्ञान में फेल हुए हैं। अगले साल गर्मियों में खूब गूंजेगी सहनाइयाँ। तो किसी कारणवश जो जोड़े इस साल वैवाहिक बंधन में बंधने से रह गए उनके लिए नया साल उम्मीदों को लेकर आने वाला है। हालांकि वर्ष 2021 की शुरुआती 3 महीने में वैवाहिक लग्न कम है, मगर अप्रैल से जुलाई तक खूब सहनाइयाँ सुनाई देंगी। बात करते हैं कुमाऊँ की खबरों की। तो कुमाऊँ से खबर, जहाँ पर कुमाऊँ के महाविद्यालय में शुरू नहीं हुई कक्षाएँ। SBI कर्मी कोरोना पॉजिटिव, बैंक 3 दिन के लिए बंद कर दिया। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ से खबर आई है। 6 अगस्त से जेल में है आरोपी सहायक समाज कल्याण अधिकारी। तो दिसंबर 2019 में उजागर हुआ था देवभूमि विद्यापीठ का 39.52 लाख के गबन का मामला। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर में भी कॉलेज खुले, पढ़ाने वालों की तैयारी अधूरी, पढ़ने वालों ने बनाई दूरी। काशीपुर में डिग्री कॉलेज में नहीं हुई पढ़ाई। बाजपुर से खबर है, जहां पुलिस ने मंदिर में हो रही शादी रुकवाई, हड़कंप मच गया। तो पुलिस ने 3 मंदिर पहुंची नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी। पुलिस लड़का और लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। गाजियाबाद निवासी लड़की के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया। तो लड़की के नाबालिग होने का आशंका परिजनों को सूचित किया गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। तो किच्छा से खबर, जहाँ पे पुलभट्टा पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पार्षद हत्याकांड, हिस्ट्री सीटर अन्नो और दिनेश की 22 को होगी पेशी। तो पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड के दूसरे मास्टरमाइंड अन्नो गंगवार और दिनेश शर्मा को 22 दिसंबर को स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। दो मंजिला बैरक में आग लगने से हुई थी हवलदार मुकेश की मौत। तो अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में तैनात कुमार रेजिमेंट के हवलदार मुकेश कुमार की मौत दो मंजिले बैरक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण हुई थी। रविवार तड़के हुए इस हादसे में बैरक में सो रहे सभी जवान जैसे तैसे बाहर निकल गए, लेकिन मुकेश आग की लपटों में फंस गया और उसकी मौत हो गई। शहीद हवलदार का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह करीब 6 बजे तक काशीपुर स्थित उनके गाँव पहुँच जाएगा। रुद्रपुर से खबर, जहाँ पे 30% विद्यार्थी गणित में फेल, हंगामा हुआ। छात्र छात्राओं ने गणित के विभागाध्यक्ष के समक्ष रखी समस्याएं, कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भेजा है। वहीं काशीपुर से खबर, जहाँ पे NCC भर्ती परीक्षा में 19 छात्रों का चयन हुआ। खबर है रानीखेत से, जहाँ पे लछीना नावली मनारी में तेंदुए का आतंक बढ़ गया है।